जब बॉलीवुड के किंग खान बेचने लग गए थे फिल्म की टिकटें। बादशाह की बादशाहत से लेकर स्टारडम तक की कहानी हमारी जुबानी। बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान इस समय बॉलीवुड पर राज करते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। भले ही शाहरुख खान इस वक्त के बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में एक हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शाहरुख खान खुद मुंबई में अपनी फिल्म की टिकटें बेच रहे थे। जी हाँ, शाहरुख खान यूं ही नहीं बने हैं बॉलीवुड के बादशाह। इस स्टारडम के पीछे लंबी चौड़ी स्ट्रगल की किस्सों कहानियों की लिस्ट है। अब ऐसे में शाहरुख की खुद की ही फिल्मों की टिकट्स बेचने की यूनिक स्टोरी आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या था ये फिल्म की टिकटें बेचने का पूरा किस्सा, गौर से सुनिएगा। दरअसल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की 1994 में फिल्म कभी हाँ कभी ना रिलीज हुई। बस फिर इस फिल्म के रिलीज होने पर खुद शाहरुख खान ने ओपनिंग डे के दिन एडवांस टिकट बुकिंग करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, शाहरुख खान तो बोरिया बिस्तरा बांध खिड़की पर टिकट बेचने तक बैठ गए थे। यहाँ तक कि शाहरुख खान ने खुद ऑडियंस को टिकट बेचा भी था और हर एक ऑडियंस को टिकट पर अपना साइन भी यानी कि बकायदा ऑटोग्राफ भी दिया था। शाहरुख का तो ये भी कहना था कि अपनी फिल्म को लेकर वो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने कुछ अलग करने की ही ठान ली थी। आपको बता दें कि ये फिल्म शाहरुख खान के बॉलीवुड की शुरुआती दिनों की फिल्म थी और इस फिल्म पर दर्शकों ने बाल्टी भर भर कर प्यार उड़ेला। अब ऐसे में जाहिर था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ करतब जरूर दिखाती। बस फिर इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया। बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ सुचित्रा कृष्णमूर्ति और दीपक तिजोरी मेन लीड में थे। खैर, इसके बाद तो किंग खान ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इतना ही नहीं, इस फिल्म के बाद से ही शाहरुख का स्टारडम तेजी से बढ़ने लगा और आज शाहरुख बॉलीवुड के किंग खान बन इंडस्ट्री पे राज करते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।